जय हुआ जय अटेवा के नारों के साथ बरेली पहुंची नई पेंशन निजीकरण भारत जोड़ो यात्रा का हजारों की संख्या में कर्मचारी टीचर्स ने यात्रा का स्वागत किया। नई पेंशन स्कीम निजीकरण भारत जोड़ो यात्रा गांधी जी के चंपारण से 1 जून से शुरू हुई, जो बिहार से चलकर बलिया उत्तर प्रदेश के रास्ते होते हुए बरेली पहुंची। पुराने पेंशन बहाली को लेकर सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा। बरेली पहुंचे धीरज उपाध्याय ने कहा, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जन सैलाब आप देख रहे, कभी शिक्षक कर्मचारी के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि भूख पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा, जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, निजीकरण समाप्त नहीं होगा, तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन करेंगे। इसलिए जमा हुए हैं सारे लोग, जो हमारे नेता लोग हैं, जो ये इसके लिए रैली में रथ यात्रा जो निकाले उनको समर्थन देने के लिए, क्योंकि एनपीएस को हटाना है और पेंशन को बचाना है, पेंशन बहाली के लिए खड़े हैं, यही हमारी मांग है। और निजीकरण को ख़त्म किया जाए, यही हमारी सब मांगे हैं। हम लोग नर्सिंग संघ की तरफ से हैं, अनिता लाल उपाध्यक्ष राजकीय नर्सिंग संघ। मैं सत्येंद्र पाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष यूटा यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन से हूं, और आज पुरानी पेंशन का जो रोड शो हो रहा है उसका यूटा समर्थन करता है। जैसा कि हम लोगों को 2005 के बाद नई पेंशन की योजना लागू की गई है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं, और हमें पुरानी पेंशन चाहिए। पुरानी पेंशन कर्मचारियों के लिए नई पेंशन और नेताओं के लिए पुरानी पेंशन, एक संविधान एक विधान होना चाहिए, ना कि हम लोग पुरानी पेंशन ना ले पाएँ और नेता लोग हमारे नई पेंशन लें। अगर नई पेंशन अगर अच्छी है, हमारे नेता लोग हैं वो कहते हैं कि नई पेंशन ज़्यादा अच्छी है, तो नई पेंशन सबसे पहले आप स्वीकार कीजिए, उसके बाद हम स्वीकार करेंगे। अगर आपके लिए अच्छी है तो हमारे लिए अच्छी है, आपके लिए अच्छी नहीं है तो हमारे लिए अच्छी नहीं है। हम पुरानी पेंशन का समर्थन करते हैं। आपकी यात्रा कहाँ से कहाँ तक? हमारी ये यात्रा भास्कर हॉस्पिटल नैनीताल रोड से शुरुआत हुई है, और ये यात्रा पूरे बरेली में घूमती हुई और रामपुर की तरफ जाएगी हमारी यात्रा। पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो, और जो रेला आप देख रहे हैं, कभी शिक्षक कर्मचारी के इतिहास में ऐसा नहीं होगा, रैनीतलन हो सकता है, और ये स्वप्रेरिताएँ हैं। जून के इस तपती दोपहरी में लोग यहाँ तक आए हैं, इसका मतलब इनकी भूख पुरानी पेंशन की बहुत बढ़ चुकी है, और मैं प्रदेश सरकार से, देश की सरकार से मांग करता हूँ कि पुरानी पेंशन बहाल करें। और एक सवाल उठाता हूँ, इस देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं दी जाती, और देश का माननीय चार चार पेंशन लेता है, ये कहाँ का राष्ट्रवाद है? आपकी यात्रा कहाँ से लेके कहाँ तक जा रही है? 1 जून से चंपारण बिहार से शुरू हुई है, गांधी के उस कर्मभूमि से, जेपी के भूमि बलिया से आते आते आज बरेली आए हैं, और ये अभी उत्तराखंड जाएगी, उत्तराखंड से बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसी तरह पूरे देश की यात्रा ये करेगी। ये क्रमबद्ध हमारा यात्रा एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा जारी रहेगी। क्या नाम सर आपको? राजकुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष आदर्श माध्यमिक शिक्षक संघ बदायूं। आज बाइक रैली निकाली जा रही है, क्या उपलक्ष्य में? क्या ये हम लोगों की नियुक्तियां जो हैं 2005 के बाद हुई हैं, और 2005 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पेंशन व्यवस्था लागू की गई है, जो हमारे लिए बहुत ही घातक है। इसमें हम लोगों के जो पैसे की कटौती होती है, 10% पैसा हमारा कटता है, 14% पैसा सरकार देती है, जिसका कोई भी लेखा जोखा नहीं है, और सेवानिवृत्ति के बाद 400-500 रुपए की पेंशन बन रही है, जो सेवानिवृत्ति के बाद जीवन का आधार नहीं है। हमारी मांग है कि 2005 से पहले जो पुरानी पेंशन थी वो पेंशन हमें दी जाए। आज निकालना है सर, आज जो अटेवा है उसके माध्यम से पूरे प्रदेश, पूरे देश में ये रैली निकाली जा रही है, और ये जो रथ यात्रा पेंशन यात्रा है, कुछ जनपद ऐसे हैं जैसे बदायूं हैं या पीलीभीत है, उनसे होकर नहीं गुजर रही है। सभी जो 2005 के बाद के नियुक्त कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी संगठन से हैं, शिक्षा विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, हर विभाग का कर्मचारी आज इस पेंशन यात्रा में सम्मिलित हो रहा है। ये यात्रा चंपारण जी से, चंपारण बिहार में 1 जून से प्रारंभ हुई थी, और ये इसका यात्रा पूरे देश में घूमते हुए 1 अक्टूबर के लिए दिल्ली पर इसका एक रैली के बाद समापन हुआ।